देखिए, एक क्रांतिकारी कदम झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि हमारे झारखंड की मैया को उनका सम्मान देने का काम किया गया है। और आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो राज्य के मुखिया हैं, लेकिन हमारी झारखंड की जनता उनको दादा बेटा, हेमंत बेटा करके बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बेटा ने, एक भाई ने फर्ज अदा किया है। और 24 वर्ष के इस नए झारखंड में हेमंत सोरेन जी एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल को बहुत बेहतरीन से लेकर के जा रहे हैं। आगे वाले आने वाले दिनों में कल्पना सोरेन को बड़े जिम्मेदारी में देखा जा सकता है। मेरे पास जो जिम्मेदारी आएगी, मैं अपनी जिम्मेदारी अपनी क्षमता से ज्यादा करके मैं लोगों के सामने दिखाने का काम करूंगी और अपने कामों के द्वारा अपने बातों को कहने का प्रयास करूंगी। बहुत बहुत बड़े बड़े बयान दिए जा रहे थे, चाहे काटोगे तो बटोगे तो कटोगे, घुसपैठिया, भ्रष्टाचार, ये जितने मुद्दे बीजेपी ने जेएमएम के खिलाफ लगातार प्रचार में देखा गया है, कहना चाहेंगे क्या ये काम आएगी? देखिए, मैं ये कहूंगी ना, इनको विकास की बातें नहीं करनी, इनको हम लोगों को बांटने की बात करनी है। लेकिन हेमंत सोरेन जी सबको समेट करके एक साथ में समग्र विकास की बात कहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि झारखंड की जनता भली भांति अब जानती है कि कौन कह रहा है और उन कौन कहने वाले को जमीन में धरातल उनके घर में कौन पहुंचा रहा है। तो मुझे लगता है कि झारखंड का पूरा प्यार हेमंत सोरेन जी को मिल रहा है। डेफिनेटली, क्यों नहीं। अब आपको शक है, एक बार आपको अगर शक है तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे नहीं लगता कि आपको भी शक होगा। और झारखंड की जनता ने ये अपना पहले चरण में दिया है, आज दूसरा चरण का मतदान है। उसके शाम को बात में आप खुद अपने चैनल में अब खुद बोलेंगे कि किसकी सरकार बनने वाले हैं। बस सभी मतदाताओं को यही कहना मैं चाहूंगी, क्योंकि अभी ये वक्त अभी आप लोगों को अपनी सरकार चुनने का है। और आपकी अबुआ सरकार के लिए आपके हेमंत दादा, हेमंत बेटा ने जी तोड़ मेहनत की है इस उतार चढ़ाव के कार्यकाल में, जहां हेमंत सोरेन जी को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और झारखंड के मान सम्मान हक के लिए लड़ाई को बुलंद किया है। मैं चाहती हूं कि आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी और हमारी महागठबंधन को दें। और घर से बाहर निकल करके हमारे मतदाताएं जितने भी हैं, कृपया करके आज आप घर में ना रहें, अपना वोट का इस्तेमाल करें और अपनी ताकत को दिखाइए। 98 जनसभा 100 नहीं हुआ, 98. अच्छा 900 नहीं हो पाया। ओहो, बस कुछ नहीं, बहुत ताकत और मेहनत के साथ किया है। तो मैं समझती हूँ कि लोगों का प्यार है, उनकी ताकत है जो मुझे इतना काम करने के लिए और उनके पास में जाने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी जीतोड़ मेहनत की है।